रादौर जटलाना सड़क मार्ग के नवीनीकरण के कार्य में सड़क के साइड में निकले सरिये दे रहे हादसों को दावत। रादौर जटलाना सड़क मार्ग के नवीनीकरण के कार्य में राहगीरों की सुरक्षा को लेकर क्षेत्रवासियों ने ठेकेदार पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। क्षेत्रवासियों का कहना है कि सड़क की साइड में निकले लोहे के सरिये हादसों को न्योता दे रहे हैं। यह सरिये कभी भी किसी राहगीर की जिंदगी पर भारी पड़ सकते हैं। क्षेत्रवासी रामभूल, दीपक, सतीश कुमार, नरेंद्र, गौरव व जसविंदर का कहना है कि ठेकेदार की ओर से जो सड़क बनाई जा रही है उसकी साइड में सरिये निकले हुए हैं। दिन के समय तो यह दिखाई भी दे देते हैं, लेकिन रात होने पर सड़क की साइड में लगे यह सरिये दिखाई नहीं देते, जिससे बड़ा हादसा होने का अंदेशा बना हुआ है। ऐसे में संबंधित ठेकेदार को चाहिए कि वह सरियों के पास मिट्टी से भरे कट्टे या फिर अन्य बंदोबस्त करे, ताकि कोई भी हादसा न हो सके। वहीं लोक निर्माण विभाग के जय विशाल कुमार का कहना है कि ठेकेदार को इस बारे सरियों की साइड में मिट्टी के कट्टे लगवाने बारे कहा जाएगा। रादौर के सरकारी स्कूल में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो द्वारा नशामुक्त अभियान को लेकर कार्यक्रम का आयोजन। वीरवार को सरकारी स्कूल रादौर में हरियाणा राज्य नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो द्वारा प्रयास संस्था के बैनर तले नशा मुक्ति पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सरकारी स्कूल रादौर की हिंदी प्रवक्ता शीतल शर्मा की देखरेख में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के उपनिरीक्षक डॉक्टर अशोक कुमार वर्मा ने बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि नशा एक ऐसी बुराई है जो मनुष्य को मानव से दानव की श्रेणी तक पहुंचा देती है। नशा करने वाला व्यक्ति न तो घर में सम्मान पाता है और न ही समाज उसको पसंद करता है। उन्होंने कहा कि नशे के धंधे में संलिप्त किसी भी अपराधी को स्वतंत्र नहीं छोड़ा जा सकता, उनका स्थान कारागार है। अतः सभी का कर्तव्य है कि वे हरियाणा राज्य नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को ऐसे लोगों की गुप्त सूचना देकर नशा मुक्त भारत के निर्माण में योगदान दें और ऐसे लोगों से सतर्क रहे। रादौर के सरकारी कॉलेज में यातायात सुरक्षा अभियान को लेकर सेमिनार व कार्यशाला का हुआ आयोजन। ज्योतिबा फुले सरकारी कॉलेज में वीरवार को ट्रैफिक इंटरप्रेशन के तत्वाधान में यातायात सुरक्षा अभियान को लेकर सेमिनार व कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें रादौर थाना प्रभारी सुखविंदर शर्मा मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए। कार्यक्रम में सुखविंदर शर्मा ने बच्चों को यातायात नियमों व साइबर क्राइम के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सभी ये सुनिश्चित कर लें कि वाहन चलाते समय आपके पास लाइसेंस हो, जिससे उन्हें पुलिस कार्रवाई के दौरान किसी भी प्रकार की दिक्कत का सामना न करना पड़े। वहीं उन्होंने कहा कि बाइक चलाते समय हेलमेट व कार चलाते समय सीट बेल्ट का प्रयोग अवश्य करें। उन्होंने कहा कि दुर्घटना के समय दी गई 15 मिनट की प्राथमिक चिकित्सा किसी की भी जान बचा सकती है। रादौर के गांव छोटाबांस स्थित लखदादा पीर की मजार पर वार्षिक विशाल भंडारे का हुआ आयोजन। छोटाबांस स्थित लखदादा पीर की मजार पर आज वार्षिक भंडारे का आयोजन किया गया। भंडारे से पूर्व श्रद्धालुओं ने पीर की मजार पर चादर चढ़ाकर क्षेत्र की सुख समृद्धि की कामना की। इस मौके पर क्षेत्र के कई गांव के लोगों ने पीर की मजार पर मत्था टेक मन्नते मांगी। इस बारे जानकारी देते हुए नंबरदार कुलदीप सिंह राव ने बताया कि हर वर्ष शहर व क्षेत्र के लोगों की सुख शांति के लिए विशाल भंडारे का आयोजन किया जाता है, जिसमें सभी लोग तन मन धन से अपना पूरा सहयोग करते हैं। उन्होंने कहा कि लखदादा पीर की मजार को लेकर शहर व क्षेत्र के लोगों में भारी आस्था है। लोग दूर दूर से पीर की मजार पर दुआएं लेकर पहुंचते हैं। रादौर के गांव गुमथला के महाराजा अग्रसेन पब्लिक स्कूल में 3 दिवसीय खेलकूद प्रतियोगिता का हुआ शुभारंभ। महाराजा अग्रसेन सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल में आज वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता का शुभारंभ स्कूल के प्रधानाचार्य डॉक्टर सुदेश बंसल ने किया। प्रतियोगिता में कक्षा प्री नर्सरी से लेकर कक्षा 3 तक के बच्चों ने भाग लिया। इस अवसर पर स्कूल के प्रधानाचार्य डॉक्टर सुदेश बंसल ने कहा कि इस तरह के आयोजनों से बच्चों को खेलों के प्रति जागरूक किया जा सकता है, जिससे उनकी खेलों के प्रति रुचि बढ़ती है। वहीं उन्होंने बताया कि 3 दिन तक चलने वाली यह खेलकूद प्रतियोगिता कोच गौरव मलिक की देखरेख में आयोजित की जाएगी। रादौर के गांव चमरोड़ी के सरकारी स्कूल में दंत जांच शिविर का हुआ आयोजन। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय चमरोड़ी में आज सामाजिक संस्था युवा सारथी समिति व आजीविका मिशन द्वारा दांतों की जांच के लिए एक शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का शुभारंभ आजीविका मिशन की खंड प्रबंधक राजकुमारी व डॉक्टर रिंकू शर्मा ने किया। जांच शिविर में डीएवी डेंटल कॉलेज यमुनानगर के डॉक्टर सुमित भाटिया व डॉक्टर सुगंधी के नेतृत्व में 12 डॉक्टरों की टीम ने अपनी सेवाएं प्रदान की। इस मौके पर डॉक्टरों की टीम ने 250 से अधिक बच्चों के दांतों की जांच की। इस दौरान डॉक्टरों की टीम ने बच्चों को नियमित रूप से ब्रश करने व दांतों की सही देखभाल करने की जानकारी दी।